बीते कई हफ्तों में शेयर बाजार में उथल पुथल का दौर जारी है। भारत में भी चुनावी माहौल के बीच शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें अरबपतियों के शेयर बाजार में घटती दिलचस्पी और कैश में बढ़ते इंटरेस्ट का जिक्र किया गया है। दरअसल एशिया भर में ट्रेड वॉर के कारण बड़ा असर पड़ा है। जहाँ तक देश के अरबपतियों के शेयर बाजार में घटती दिलचस्पी का मामला है, हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से शेयर बाजार में एक अच्छा उछाल आया और कुछ काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिटर्न शेयर बाजार में पिछले कुछ साल में बने, हमें लग रहा है कि ऊपरी स्तरों पे इन अरबपतियों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है और जो भी करेक्शन आता है वो करेक्शन में वापस बाई करने के लिए कुछ कैश जमा किया है। हमें लग रहा है कि जो ट्रेड वॉर की चिंता मार्केट में चल रही है, इसी वजह से इन सभी बड़े इन्वेस्टर ने अपना प्रॉफिट बुक करके कुछ कैश अपने पास एलोकेट किया है। UBS ग्रुप AG के सर्वे में खुलासा हुआ है कि दुनिया भर के अमीर निवेशक अब स्टॉक्स की जगह कैश को तरजीह दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ मैनेजर के सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में हाई नेटवर्क पोर्टफोलियो में करीब 32% नकदी है। एशिया और लैटिन अमेरिका में ये अनुपात सबसे ज्यादा है। एशिया और लैटिन अमेरिका में पोर्टफोलियो का करीब 36% हिस्सा नकदी है, जबकि स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप में 35% हिस्सा कैश का है। अमेरिकी अमीरों के पोर्टफोलियो में कैश थोड़ा कम है और ये 23% ही है। जानकारों का मानना है कि कैश पर भरोसा इसलिए बढ़ा है क्योंकि लिक्विडिटी के मामले में ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में कैश रखना जोखिम को दावत दे सकता है। ट्रेड वॉर जो अमेरिका चाइना की है उसके कारण अनसर्टेनिटीज बढ़ी हुई, ट्रेड वॉर के कारण एक तरफ से अनसर्टेनिटीज बढ़ी है, साथ ही साथ बहुत से एरियाज में वर्ल्ड की रीजनल अनसर्टेनिटीज, पॉलिटिकल टेंशंस भी हैं। तो जब अनसर्टेनिटी का माहौल होता है या कहीं थोड़ा घबराहट का माहौल होता है तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। ऐसे में इन्वेस्टर्स हमेशा लिक्विड रहना पसंद करते हैं। UBS के सर्वे में ये भी खुलासा हुआ है कि कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो में कैश का हिस्सा बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। सर्वे में शामिल 42% लोगों ने नकदी को और भी प्राथमिकता देने की बात कही, जबकि 17% स्केल बैक की आशा कर रहे हैं। सर्वे में 17 देशों के करीब 3600 निवेशकों को शामिल किया गया था जिन्होंने कम से कम $10,00,000 यानी 7 करोड़ रुपए का निवेश किया हो, या ऐसे कारोबारी को शामिल किया गया जिनका एनुअल रेवेन्यू कम से कम $2,50,000 यानी 1,80,00,000 रुपए हो। सर्वे में खुलासा हुआ कि कैश को प्राथमिकता देने की सबकी अपनी वजह है। लैटिन अमेरिका में महंगाई, एशिया में वैश्विक ट्रेड वॉर और अमेरिका में मेरे देश की राजनीति वाली विचारधारा की वजह से कैश बड़ी पसंद के तौर पर उभर रहा है। ये UBS का पहला तिमाही इन्वेस्टर सेंटिमेंट सर्वे है।